हेलो बच्चों, आज हम आपका साइंस का वीडियो नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 6 है, लाइफ प्रोसेस, वो हमने जो है स्टार्ट कर दिया था पिछले वीडियो के अंदर ही। आज हम जो बात करेंगे वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन में न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ह्यूमन जो होता है वो फूड को इनटेक करता है, और जो फूड वो इनटेक करता है उसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। फूड के लिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ह्यूमन के अंदर होता है, दूसरे प्लांट्स और एनिमल पर वो फूड के लिए डिपेंड रहता है। जब वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस लेता है न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, तो उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। कौन से प्रोसेस से? डाइजेशन के प्रोसेस से। डाइजेशन के लिए इनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिससे फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में चेंज किया जाता है, और फिर वो सिंपलर सब्सटेंस जो है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन में न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इंजेशन ऑफ फूड, नंबर 2 डाइजेशन ऑफ फूड, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, नंबर 4 एब्सिमिलेशन ऑफ फूड, और नंबर 5 इजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इंजेशन ह्यूमन जो होता है वो माउथ के थ्रू करता है। ठीक है, और फिर डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन एलिमेंट्री कैनाल, जो कि जो ह्यूमन है उसके अंदर एक ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, फ्रॉम माउथ टू एनस तक स्प्रेड होती है। ठीक है, और उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, ये एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। इनके जो सिक्रीशंस होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले माउथ और बकल कैविटी। माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी। बकल कैविटी के पीछे फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स जो कि वो पार्ट होता है जिसका जो कि रेस्पिरेशन और जो है फूड रेस्पिरेशन और फूड दोनों से कनेक्टेड, दोनों जो है उसका कनेक्टेड एरिया फेरिंग्स कहलाता है। और उसके बाद ईसोफेगस होता है, फिर स्टोमक आता है, मस्कुलर ऑर्गन, फिर इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एट द एंड जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एनस के थ्रू ओपन होती है और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। कैसे होता है ये प्रोसेस, ये देखते हैं हम। सारे ऑर्गन्स आपको सिस्टमेटिकली लर्न होने चाहिए। ठीक है, एक सीक्वेंस से लर्न होनी चाहिए। सबसे पहले मुख और सबसे पहले माउथ एंड बकल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन फेरिंग्स के बाद फूड पाइप या ईसोफेगस, और फूड पाइप के बाद स्टमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के 2 पार्ट हैं, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन इट ओपन्स विद द एनस। सबसे पहले माउथ एंड माउथ कैविटी। जब फूड इंटेक किया जाता है या फूड का इंजेशन जो है वो माउथ में किया जाता है, माउथ जो होता है उसके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होते हैं। टीथ के थ्रू फूड की कटिंग करी जाती है, बाइटिंग की जाती है। ठीक है, और फूड को जो है एकदम ग्राइंड कर लिया जाता है, एकदम पीस लिया जाता है माउथ के अंदर। और फिर जो टंग होती है वो उसके अंदर सलाइवा मिक्स करती है। माउथ में सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। सलाइवा को एकदम फूड में मिक्स कर दिया जाता है एकदम। ठीक है, और जो माउथ में फूड की फॉर्म होती है वो बॉलस फॉर्म में होता है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा जो सिक्रीट करती है, उस स्लाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज। विच एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को, स्टार्च इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर और कार्बोहाइड्रेट, जिसको ये माल्टोज या सिंपल शुगर में चेंज कर देता है। कौन? सलाइवरी अमाइलेज। तो ये जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, माउथ के अंदर। माउथ में मैंने आपको बताया टीथ के थ्रू जो है इसका क्या किया जाता है, मैकेनिकल डाइजेशन किया जाता है, और उसको बिल्कुल अच्छे से पीस दिया जाता है। और फिर टंग जो होती है वो इसको जो हेल्प करती है। टंग आपको पता है कि एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि फूड को क्या करती है, दांतों के नीचे धकेलने का काम भी करती है, ताकि वो इजीली पिस जाए फूड। इसके अलावा वो इसको एनगल्फ करने में भी हेल्प करती है, स्पीकिंग में भी हेल्प करती है, टेस्ट पता करने में भी फूड के भी हेल्प करती है। तो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है टंग। ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट सलाइवा को भी फूड में मिक्स करके और फूड को कैसा कर देती है, बिल्कुल मॉइस्ट फॉर्म में कर देती है फूड को, और फूड का फिर डाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, डाइजेशन कौन करता है, सलाइवरी माइलेज एंजाइम, जो किस में प्रेजेंट होता है, सलाइवा के अंदर। सलाइवा किसके थ्रू सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होता है, जो माउथ में प्रेजेंट होती हैं। और ये स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स फूड है उसको किस में चेंज कर देती है, सिंपल फॉर्म में, माल्टोज में चेंज कर देती है। तो इस तरीके से माउथ और बकल, माउथ तो ओपनिंग है और माउथ किस में ओपन होता है, बकल कैविटी में। तो इस तरीके से माउथ कैविटी या बकल कैविटी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद डाइजेशन जो होता है वो फेरिंग्स से होता हुआ
फूड पाइप में जाता है। फेरिंग्स एक एरिया है जिसका कुछ पार्ट जो है नेजल पासेस से कनेक्टेड होता है, तो नेजल पासेस से इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट इसका विंड पाइप से कनेक्टेड होता है। इसी तरीके से जो फेरिंग्स है उसका कुछ पार्ट जो है वो माउथ से कनेक्टेड है और पीछे वाला पार्ट जो है वो फूड पाइप से कनेक्टेड है। तो यहाँ फेरिंग्स में टू पोर्स के थ्रू फूड पाइप और विंड पाइप ओपन होते हैं, जिन्हें अपन गिलट और ग्लोटिस कहते हैं। गिलट जो होता है वो फूड पाइप से कनेक्टेड एरिया है, फूड पाइप वाला एरिया है, और जो ग्लॉटिस होता है वो विंड पाइप में ओपन होता है। ग्लॉटिस के थ्रू फेरिंग्स जो होता है वो विंड पाइप में ओपन होता है। तो जब ह्यूमन फूड एनगल्फ करता है तो फूड जो होता है वो ग्लॉटिस में ना जाके गिलट में ही जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लैरिंग्स का एक पार्ट होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप जो होता है वो फूड एनगल्फ करने के ड्यूरिंग क्या कर देता है, ग्लॉटिस को कवर कर देता है, जिसके कारण फूड ग्लॉटिस में ना जाके गिलट के थ्रू ही किस में जाता है, फूड पाइप या ईसोफेगस के अंदर जाता है। आई होप आपको फेरिंग्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा। देखिए फेरिंग्स मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, अब बात करते हैं ईसोफेगस और फूड पाइप की। ईसोफेगस जो होता है ये क्या करता है, ये जो है डाउनवर्ड रन करता है, जो ट्रैकिया होती है उसके पीछे की तरफ, नेक में बिहाइंड द ट्रैकिया जो है ये पास करता है, डाउनवर्ड जो है वो मूव करता है। एंड ये क्या करता है, जो डायाफ्राम से होता हुआ एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो स्टमक है उसके अंदर ओपन होता है। भाई यहाँ पर दो सिस्टम साथ साथ चल रहे हैं, ऊपर वाले जो थोरेसिक पार्ट होता है इसमें दो सिस्टम साथ साथ, एक तरीके तरफ विंड पाइप होता है और जो है डायाफ्राम जो होती है वो थोरेसिक कैविटी का लास्ट पार्ट जो होता है वो डायाफ्राम होता है, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। तो ये फूड पाइप जो होता है वो जो है ट्रैकिया के आगे से होता हुआ, ट्रैकिया मीन्स जो विंड पाइप है उसके ही जो है विंड पाइप जो होता है उसके पीछे से होता हुआ कहाँ चला जाता है, डायाफ्राम से होता हुआ स्टमक के अंदर ओपन होता है। ठीक है, तो ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, ये ओनली फूड को माउथ कैविटी से कहाँ पर स्टमक तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टमक की। स्टमक जो होता है वो कैसा ऑर्गन है, तो स्टमक जो है वो एक जे शेप मस्क्यूलर ऑर्गन है, और इसके अंदर जो मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से या उनके अंदर पैरास्टेसिस होने की वजह से फूड जो होता है वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं वो इसके अंदर थोरली मिक्स किया जाता है। ठीक है, जो इसके थ्रू जो फूड है उसकी मिक्सिंग होती है यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर, और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये क्या है, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो कौन सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है इसमें HCl, पेप्सिन और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। HCl जो होता है वो क्या करता है, एक तो फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहाँ जो माउथ से फूड आया है उसके अब जब स्टमक में जब डाइजेशन होना है उससे पहले उसके लिए एसिडिक मीडियम होना ज़रूरी है, तो ये HCl सिक्रीट करता है जो कि फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि एंजाइम उस पर एक्ट कर सके। नंबर टू, ये क्या करता है, इनएक्टिव एंजाइम जो पेप्सिनोजन होता है उस इनएक्टिव एंजाइम को पेप्सिनोजन को एक्टिव एंजाइम पेप्सिन के अंदर चेंज करने का काम करता है। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट काम जो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, और बैक्टीरिया को किल कर दे जैसे फूड के साथ कई बार जो है बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो उसको डिसइंफेक्ट करने का काम जो है वो भी यही करता है। इसके अलावा जो सलाइवा है उसका जो फंक्शन होता है जब वो फूड स्टमक में आ जाता है तो उसके एक्शन को भी ये क्या करता है, स्टॉप करने का काम भी करता है। ये सारे काम कौन करता है, HCl करता है। नेक्स्ट थिंग है पेप्सिनोजन, जिसको HCl किस में चेंज कर देता है, पेप्सिन में, और पेप्सिन जो स्टमक है उसमें मेनली किसका डाइजेशन होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है। मुख्य रूप से किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड्स के अंदर चेंज कर देता है। कैसे करता है देखते हैं अपन। ठीक है, अब पेप्सिन जो देखो प्रोटीन का डाइजेशन कौन कर रहा है, पेप्सिन किस में चेंज कर रहा है, इसको अमीनो एसिड्स के अंदर चेंज कर रहा है, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड के क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। ठीक, तो अब बचा म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की इनर वॉल होती है वो म्यूकस से कवर्ड होती है, और स्टमक के अंदर HCl सिक्रीट होता है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है
ये क्या करती है, HCL से होने वाले इफेक्ट से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है, ठीक है। हाँ, अब कभी कभी जैसे कुछ लोग स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, रेगुलरली अगर स्पाइसी फूड यूज़ करते हैं तो उनमें कई बार क्या होता है, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये डैमेज हो जाती है और डायरेक्ट HCL जो होता है वो कॉन्टैक्ट में आने लग जाता है इसकी वॉल के, स्टमक वॉल के, और उसके कारण उनमें क्या एसिडिटी वगैरह भी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा कई बार जो है ये जो पार्ट होते हैं इनके डाइजेस्ट हो जाते हैं और घाव बन जाते हैं स्टमक के अंदर, जिन्हें हम पैप्टिक अल्सर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैप्टिक अल्सर। नाउ स्टमक जो होता है वो पीछे की ओर किस में खुलता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ स्टमक ओपन हो, इंटेस्टाइन में ओपन होता है, वहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो कि रेगुलेट करती हैं जो फूड होता है उसका बैक फ्लो को रोकने का काम करती हैं ये, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो यहाँ पर भी फूड का डाइजेशन होता है और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस की जो होती है वो ज़्यादा लॉन्ग होती है, क्योंकि उन्हें किसका डाइजेशन करना होता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन करना होता है, क्योंकि ग्रास ईटर्स होते हैं वो, उनमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, तो सेल्यूलोज का डाइजेशन करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती हैं वो इनकी ज़्यादा लॉन्गर होती है। जो कार्निवोरस होते हैं या जो कार्निवोरस जो मीट खाते हैं उसका डाइजेशन इजी होता है, इसलिए उनकी जो डाइजेस्टिव कैनाल होती है, डाइजेस्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो कैसी होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन उनकी कैसी होती है, स्मॉल। तो जैसे टाइगर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल होती है किसकी कंपेरिजन में, डियर रेबिट इनके कंपेरिजन में। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन कंप्लीट होता है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस टेक पार्ट करते हैं। कैसे? एक तो जो लीवर होता है, लीवर के अंदर एक लीवर, आपको ध्यान है एसेसरी ग्लैंड की अपन बात कर रहे थे, सबसे बिगेस्ट ग्लैंड होती है लीवर जो है, डीपेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है लीवर। लीवर जो होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है, तो स्टमक के राइट हैंड साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है चॉकलेटी ब्राउन कलर का, और उसमें गाल ब्लैडर होता है। गाल ब्लैडर जो होता है वो बाइल सिक्रीट करता है, ठीक है। ये जो बाइल होता है, ये बाइल जो बाइल डक्ट है उसके थ्रू कहाँ पर लाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये जो बाइल डक्ट के थ्रू बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके आया जाता है, लेकिन इस बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है तो भी ये डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में? आप सबको पता है कि फैट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उन पर इजीली एंजाइम जो है वो काम नहीं करते हैं या उन्हें एंजाइम ब्रेकडाउन नहीं कर पाते। क्या करता है ये बाइल जूस के अंदर, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ये बाइल सॉल्ट जो फैट की लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है, ताकि उस पर एंजाइम उसे डाइजेस्ट कर पाए, सिंपलर फॉर्म में चेंज कर पाए। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें फैट की लार्ज ग्लोब्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल में चेंज करना, ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो फैट के इमल्सिफिकेशन में बाइल जूस का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कौन सिक्रीट करता है, लीवर में प्रेजेंट गाल ब्लैडर, राइट। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज जो होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है, तो वो आपको ध्यान होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, चाहे स्टमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो उसका स्टार्टिंग पार्ट होता है वहाँ पर स्टमक के नीचे और इंटेस्टाइन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होती है वो एक मिक्स ग्लैंड होती है। मिक्स का मतलब उसका कुछ पार्ट तो एंजाइम सिक्रीट करता है, एक्सोक्राइन होता है, और कुछ पार्ट हार्मोन सिक्रीट करता है, तो एंडोक्राइन होता है। तो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसमें पैनक्रिएटिक डक्ट्स के थ्रू पैनक्रिएटिक जूस को कहाँ पर ले आया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो पैनक्रिएटिक जूस होता है इसमें वेरियस एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग फूड सब्सटेंस के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर डाइजेस्ट कर देता है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च वगैरह होते हैं, इन्हें भी ये एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इमल्सीफाइंग जो फैट होते हैं उन्हें लाइपेज एंजाइम
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर चेंज कर देता है। तो जो पैनक्रिएटिक जूस होता है, उस पैनक्रिएटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। पहला ट्रिप्सिन एंजाइम, जो किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, किसमें चेंज कर देता है, अमीनो एसिड्स में। नंबर टू है अमाइलेज, ठीक है, एक हमने सलाइवा में पढ़ा था सलाइवरी अमाइलेज। ये कौन सा अमाइलेज है, ये पैनक्रियाज में प्रेजेंट है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज। ये अमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके सिंपल शुगर या ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देता है। नंबर थर्ड लाइपेज एंजाइम, ये इमल्सीफाइंग फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो फूड का डाइजेशन होता है, अब बचा कुचा जो डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन में खुद का भी इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है। ये इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, वो भी क्या करता है, ये इंटेस्टाइनल जूस भी में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम भी फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इस तरीके से इन तीनों जूसेस की हेल्प से नंबर वन पैनक्रिएटिक जूस, नंबर टू बाइल जूस और थर्ड इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। जो कॉम्प्लेक्स शुगर हैं उन्हें ग्लूकोज में चेंज करा जाता है, जो प्रोटीन्स हैं उन्हें अमीनो एसिड में चेंज कर दिया जाता है, और जो फैट्स हैं उन्हें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। अब हमने न्यूट्रिशन का थर्ड प्रोसेस आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होता है, कि जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं जिन्हें हम विलाय कहते हैं, ठीक है। ये जो विलाय क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्टिव एरिया है, सरफेस एरिया, उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब जो डाइजेस्टिव फूड होता है ये कहाँ पहुँचता है आगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कॉलन वाला पार्ट है उसके अंदर प्रेजेंट जो विलाय हैं वो भी इस फूड के अंदर से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रीअब्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो फूड, जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज अरेंज होती हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है और वो ब्लड के थ्रू ईच सेल तक पहुंचता है। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन ऑफ फूड। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन ऑफ फूड, क्योंकि इसके थ्रू ईच सेल तक फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो एब्जॉर्प्टिव फूड है, उसको पहुँचा दिया जाता है। अब लास्ट पार्ट आता है इजेशन। इजेशन मींस कि जो लास्ट में फूड बचता है वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसे बॉडी से बाहर रिमूव करना होता है, जो कि लास्ट में एनस के थ्रू, जो रेक्टम वाला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो एनस के थ्रू ओपन होता है। तो एनस के थ्रू उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, और एनस के अराउंड जो है वो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो इस फंक्शन को रेगुलेट करने का काम भी करती है। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसे कंप्लीट पढ़ लिया है। सबसे पहले डाइजेशन कहाँ होता है, माउथ में, उसके बाद फूड पाइप कोई डाइजेशन नहीं करता है, और उसके बाद स्टमक में डाइजेशन होता है, स्टमक में स्पेशली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। उसके बाद जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ पर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन भी करती है और एब्जॉर्प्शन का काम भी करती है। इसके अलावा कुछ एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू भी होता है, और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट होता है उसका कोर जो होता है वो एनस कहलाता है, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अब डायग्राम से और इसको समझें एक बार। ये देखिए, सबसे पहले ये माउथ है, माउथ के अंदर टंग है, ये बकल कैविटी है, माउथ कैविटी। ये ऊपर से जाके देखिए, एक तरफ से नेजल पासेस से एक जो है वो आकर यहाँ ज्वाइंट है, एक माउथ से ज्वाइंट है। यहाँ दो पोर है, गिलट एंड ग्लॉटिस। ये वाला जो एरिया, ये क्या कहलाता है, फेरिंग्स। क्या कहलाता है, फेरिंग्स। फिर गिलट किसके थ्रू,
जो माउथ कैविटी है वो किस में ओपन होती है, ईसोफेगस और फूड पाइप में। ये ईसोफेगस जो होती है वो विंड पाइप के पीछे से होता हुआ, ये डायाफ्राम, देखो ये वाला जो पार्ट है इसको डायाफ्राम बोल रहे हैं, डायाफ्राम के को पास करते हुए कहाँ पर आ गया, ये वाली जो कैविटी है ये कौन सी कैविटी कहलाती है, एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी कैविटी, एब्डोमिनल। किस में खुल रही है, देखिए स्टमक के अंदर खुल रही है। ये जो स्टमक के राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है ये लीवर है, लीवर में ये जो दिख रही है आपको ये गाल ब्लैडर है जो क्या सिक्रीट करती है, बाइल। ये बाइल जूस आपको इंटेस्टाइन में ओपन होता है, बाइल जूस जो होती है वो यहाँ इंटेस्टाइन है इसमें ओपन हो रही है। इसी तरीके से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्टमक के नीचे और इंटेस्टाइन के ऊपर, जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं, इससे भी पैनक्रियाटिक डक्ट आकर किस में ओपन हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे कॉइल्ड पार्ट है दिख रहा है आपको, ये सबसे ज़्यादा कॉइल रीजन जो होता है इसको हम ईलियम कहते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। यहाँ भी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये वाली भी, है ना, और ये वाला भी सबसे कॉइल्ड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको ईलियम कह देते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ देखिए आप लार्ज इंटेस्टाइन में खुल रही है। ये क्या है, अपेंडिक्स। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हमें यूज़फुल नहीं है, हमसे हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें इसका यूज़ था, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है, उनमें इसका यूज़ था, हमें यूज़ नहीं है। उसके बाद आपको ये लार्ज इंटेस्टाइन का वाला पार्ट देख रहा है, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होता है, इसे कॉलन कह देते हैं, और यहाँ वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, और रेक्टम की ओपनिंग किसके थ्रू होती है, एनस के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, एनस के थ्रू होती है। तो इस तरीके से जो है डाइजेशन का प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। अब आपको ये जो डायग्राम है इसको भी अच्छे से, नॉमिनेटेड डायग्राम आपको लर्न होना चाहिए, आप इसकी प्रैक्टिस साथ के साथ करते जाइए, क्योंकि इस चैप्टर में से एक नंबर का क्वेश्चन डायग्राम का आएगा ही आएगा। तो सभी डायग्राम्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, तो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको ड्रॉ करके उसको प्रैक्टिस करके, और उसके नेम सारे आपको याद होने चाहिए ना, साइंस में नॉमिनेटेड डायग्राम मानते हैं, तो नॉमिनेशन अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।